पीएम की कुर्सी को लेकर राहुल और नीतीश में मतभेद। कांग्रेस नीतीश को पीएम पद देने को तैयार नहीं। विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवारी को लेकर विपक्ष में पड़ी फूट। नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं, धड़ाधड़ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हर दल के नेता से उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं से वो कन्नी काट रहे हैं। दूरी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेता इस समय उनसे कन्नी काट रहे हैं। नीतीश कुमार ने अब पीएम मोदी की कुर्सी को चुनौती दी है और बीजेपी में रहकर कोई भी पार्टी नेता पीएम मोदी से दुश्मनी लेने को तैयार नहीं है। इसलिए ना तो बीजेपी नेता नीतीश से मिलने को तैयार हैं और ना ही इस समय नीतीश को बीजेपी की जरूरत है। जरूरत होगी तो शायद नीतीश कुमार पलटी भी मार जाएंगे। वैसे वो दावा कर रहे हैं कि अब जिंदगी में वो कभी भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। वैसे वो इस तरह के दावे पहले भी कई बार कर चुके हैं। लालू से हाथ ना मिलाने का दावा उन्होंने 2 बार किया था, लेकिन अब 3री बार वो लालू के साथ सरकार चला रहे हैं। बीजेपी का साथ भी वो 2 बार छोड़ चुके हैं और इस बार साथ छोड़ने का कारण पीएम पद माना जा रहा है। नीतीश कुमार खुद को पीएम पद के दावेदारी से इंकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता खुलेआम नीतीश की पीएम पद की दावेदारी की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि नीतीश के सामने भी उनके पीएम बनने के नारे लगाए जाते हैं। नीतीश किसी को रोकते नहीं हैं, सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। साफ है कि मन में पीएम पद की लालसा जाग उठी है। आरजेडी की कोशिश है कि नीतीश को किसी तरह से दिल्ली भेज दिया जाए, जिससे पटना की कुर्सी आरजेडी को मिल जाए। नीतीश कुमार इस समय दिल्ली पहुंच भी गए हैं, लालू से मिलकर गए हैं, लेकिन अपनी कुर्सी देकर नहीं। दिल्ली में सबसे पहले नीतीश की मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, करीब 50 मिनट तक दोनों नेता ने आपस में बात की। मुद्दे कई थे, लेकिन मुख्य मुद्दा था बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना और दूसरा पीएम पद पर एक दूसरे से समर्थन मांगना। नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव करो या मरो का चुनाव है। इस बार चूके तो फिर उनके लिए सत्ता की कुर्सी दूर हो जाएगी, क्योंकि 2025 में महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगा, ये साफ हो चुका है। ऐसे में 2024 में पीएम की कुर्सी नहीं मिली तो 2025 में सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। वैसे सीएम की कुर्सी उससे पहले ही जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वैसे बिहार के लोग ये दावा कर रहे हैं कि आरजेडी कितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन जैसे आज नीतीश कुमार बिहार के सीएम है, वैसे 2025 के बाद भी रहेंगे। आरजेडी ज्यादा दिमाग लगाएगी तो नीतीश कुमार डिप्टी सीएम से लेकर अपने सभी मंत्री पद बदल देंगे, यानी वो फिर पाला बदल लेंगे। नीतीश पाला बदलेंगे या नहीं, ये भविष्य की बात है। अभी तो निशाने पर पीएम की कुर्सी है और इस पर विपक्ष की ओर से सबसे बड़ा दावा इस समय राहुल गांधी का है। वो भारत जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वैसे भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है, ऐसे में यात्रा के नाम पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात के समय राहुल ने पीएम पद पर नीतीश के समर्थन का कोई संकेत नहीं दिया है, उल्टा संकेतों में कांग्रेस के लिए उनसे समर्थन मांगा है। साफ है ना तो कांग्रेस नीतीश को पीएम मानने को तैयार है और ना ही नीतीश कुमार कांग्रेस को पीएम स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो खुद का रास्ता साफ करने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये आसान नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीएम पद पर एक नहीं कई नेताओं की नजर है। आप दावा कर रही है कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। टीएमसी ने साफ कर दिया है कि 2024 विपक्ष की ओर से ममता ही पीएम उम्मीदवार होंगी, क्योंकि वो अकेली नेता हैं जो पीएम मोदी के खिलाफ लगातार लड़ रही हैं। केसीआर के सुर अलग दिखाई दे रहे हैं। जगन और नवीन पटनायक ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी से बैर नहीं, बस उनके राज्य पर कोई गलत नजर न डाले। साफ है नीतीश की राहुल से मुलाकात पीएम पद को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए जेडीयू और कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि पीएम पद पर कोई बात नहीं हुई है। जो भी बातचीत हुई है विपक्षी एकता को मजबूत करने के मुद्दे पर हुई है, जिससे 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, धनोदर्पण न्यूज़।